अभी मैं हूँ छिंगताओ में, जो कि चाइना का एक बहुत ही फेमस जगह है, स्पेशली फेमस फॉर बीच एरिया, बीच व्यूज, तो बीच व्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि यहाँ पे किस तरीके से लोग जो है इंजॉय करते हैं बीच व्यू को चाइना में। और ये मैंने होटल बुक किया है, वियाना होटल है, और यहाँ से जो है बीच करीबन मुझे 15 से 20 मिनट का डिस्टेंस है, क्योंकि ये लोकेशन पे मैंने होटल बुक किया है, काफ़ी अच्छा लोकेशन है। और यहाँ से मैं अभी निकलूँगा बीच व्यू के लिए, और अभी आपको दिखाते हैं आगे। ये मेरा होटल है, अभी मैं होटल से निकल गया हूँ, और यहाँ से कैब काफ़ी कन्वीनियंट होता है, तो सोचा कैब कर लूँ और कैब से चलूँ जो है यहाँ पे। बगल में एक बीच है वहाँ पे। अभी मेट्रो से, यहाँ मेट्रो स्टेशन है यहाँ का, यहाँ से मेट्रो से लेके चलेंगे। और ये एरिया है जहाँ पे मैं अभी रुका हूँ, इधर मेरा होटल है, ये मेन स्क्वाड है एक। यहाँ पे काफ़ी सारे मॉल्स है, जो कि छिंगताओ का है, नॉट मेन सिटी सेंटर, बट हाँ काफ़ी बढ़िया जगह है। आसपास यहाँ पे काफ़ी कॉलेजेस है, काफ़ी स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ से अभी इधर से कैब बुक करके जाऊँगा मैं जो मेन बीच है वहाँ पर। यहाँ की बिल्डिंग है भाई, काफ़ी लंबी लंबी बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप हो चुका है चाइना का। मतलब मैं जहाँ भी गया हूँ वहाँ पे काफ़ी लंबी लंबी बिल्डिंग, अलग ही डेवलपमेंट दिखता है। यहाँ पे सामने एक 3D स्क्रीनिंग है, इधर एक 3D स्क्रीनिंग है, मतलब चाइना में काफ़ी जगह मतलब 3D स्क्रीनिंग आपको दिख जाएगा अभी। और ये मेन जो है बियर वर्ल्ड एक जगह है छिंगताओ में, जो कि अभी 15 जुलाई को इंटरनेशनल बियर फेस्टिवल होने वाला है, और यहाँ पे अलग अलग कंट्री के जो बियर्स मिलेगा, और काफ़ी क्राउडेड जो होने वाला है। एक काफ़ी खूबसूरत जगह है ये छिंगताओ का, यहाँ पे जो है बीच व्यू काफ़ी ज़्यादा फेमस है बीच व्यू के लिए छिंगताओ। और ये जगह स्पेशली जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है, बियर वर्ल्ड ये जगह का नाम है, और यहाँ पे इंटरनेशनल बियर फेस्टिवल होने वाला है 15 जुलाई को। डॉग से भी यहाँ पे डॉग लवर है चाइना में, चाइना का डॉग लवर। यहाँ पे एक 2 RMB वाला आइसक्रीम मिलता है 20 रुपये का, काफी मजेदार। फाइनली होटल पहुंच गया, थक तो बहुत ज़्यादा गया हूँ मैं, दिन भर से आज घूम ही रहा हूँ, कल मॉर्निंग में मुझे यहाँ से निकलना है। ये मेरा होटल जो मैंने बुक किया था, वियाना होटल, वियाना होटल चाइनीज़ में जिसे कहेंगे, और
बढ़िया था, काफ़ी सेंटर पे है छिंगताओ का, इसमें भी आपको ठीक ठाक पैसा में आपको अच्छा होटल मिल जाता है, लेकिन अगर कुछ ओकेज़न होगा तो फिर काफ़ी महंगा हो जाता है। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? अभी हम निकल रहे हैं छिंगताओ से हुपे के लिए। हुपे में एक सिटी है जिसका नाम है श्रीयान। यहाँ से छिंगताओ से करीबन ये 1300 किलोमीटर्स है, और इस डिस्टेंस को जो है हम पहली बार फर्स्ट टाइम चाइना में जो कार है, खुद का सेल्फ कार जो है, उससे जो है हम इस डिस्टेंस को तय करेंगे। कहने का मतलब है कि चाइना के हाईवे से होते हुए जो है हम जाएंगे अपने गाड़ी से। मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा हूँ, मेरा जो चाइनीज़ फ्रेंड है। इससे पहले मैंने काफ़ी ट्रैवल किया है, तो ट्रैवल मैंने ट्रेन से किया, हाई स्पीड ट्रेन से किया, पर फर्स्ट टाइम जो है चाइना में करीबन 1500 किलोमीटर जो है हम कार से जो है जाने वाले हैं। तो वहाँ का आपका जो है चाइना में आपको हाईवे यहाँ का दिखेगा, और किस तरह का होता है यहाँ का हाईवे, बेसिकली हाईवे में जो ढाबाज वगैरह होते हैं, ढाबा का खाना कैसा होता है, सो आपको जो है सब दिखेगा अभी आने वाले इस ब्लॉग में।这是啥？辣的鸡，鸡肉吗？对，不是猪肉对吧？鸡肉，不是猪肉。对呀、啊。我是说鸡肉，不是猪肉对吗？是鸡肉。啊，对，没有猪肉对吗？没有。好。对对。要不你先结了，一会再，因为刚才已经画过单了。好。行，我。行，行，我知道了。嗯，我来。这总共是找一下62。嗯，啊。总共62，连他的。हाईवे है उस पर ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, वो भी अपने कार से। 10 से 12 घंटे लगेगा, ऑलरेडी हम 5 घंटा चल चुके हैं, करीबन 5 से 7 घंटा और हमें लगेंगे। पर मज़ा आ रहा है, मतलब काफ़ी कुछ दिख रहा है, चाइना का गांव दिख रहा है, चाइना का शहर दिख रहा है, चाइना का हाईवे दिख रहा है, चाइना का जो फार्मिंग लैंड है वो दिख रहा है, क्योंकि अभी जो हम हाईवे से होते हुए जा रहे हैं, कभी कभी गाँव भी पहुँच जा रहे हैं। अभी हम खाने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, खा रहे हैं, एक जो है हाईवे में हाईवे कैंटीन होता है वहाँ पे हम अभी खा रहे हैं, उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। 7 घंटा और हमें ट्रैवल करना पड़ेगा। हम चले हैं छिंगताओ से हुपे के लिए, पर मज़ा आ रहा है। चाइना का हाईवे काफ़ी काफ़ी डेवलप हो चुका है, मतलब काफ़ी गाड़ी वगैरह भी काफ़ी सही तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है, और फर्स्ट टाइम जो है इतना लंबा डिस्टेंस कार से कर रहा हूँ चाइना में। तो भाई राइस, आलू और चिकन खा रहा हूँ, सादा खाना। कोई काफ़ी कुछ मिल रहा है पर सब तो नहीं खा सकता, जो खा सकता हूँ उसी को लिया हूँ। नहीं यार, हाईवे का खाना कैसे मिलता, वैसे ही खाना मिला यहाँ पे, थोड़ा सा खाया बाकी रह गया, पूरा खा नहीं पाया। शुरू करते हैं अभी आगे का जर्नी।
ये जगह भाई पहाड़ वहाड़ है, मस्त जगह। पहाड़ में क्या करेंगे, पहाड़ में घूम रहे हैं, देख रहे हैं। चल जा रहा है भाई, हालत खराब हो गया। आज 1300 किलोमीटर जो है हम ट्रैवल कर लिए कार से, वो भी चाइना में, चाइना के हाईवे पे, जो फर्स्ट टाइम हुआ है चाइना आने के बाद। सुबह मॉर्निंग में 6 AM हम निकले थे और अभी फिर इवनिंग 7 PM होने जा रहा है, मतलब मोर देन 12 आवर्स इन कार इन चाइनाज हाईवे। काफ़ी पर मज़ा आया क्योंकि जो पूरे रास्ते में जो हमने ट्रैवल किया वो काफ़ी, मतलब काफ़ी कुछ हमने देखा रास्ते में। काफ़ी खूबसूरत रास्ता था चाइना का, हाईवे भी काफ़ी बढ़िया था। तो हमने इतना ज़्यादा ट्रैवल किया फर्स्ट टाइम आज चाइना में।计划到周六，你说什么？你说到今天礼拜四嘛，明天礼拜五，对吧？今天礼拜五，等明天忙一。 होटल बुक किया था यहाँ पे। हम जो है अभी हुपे का जो शहर है, हुपे का जो सिटी है शियान नाम करके, यहाँ पे अभी हम पहुँच चुके हैं काफ़ी लंबा डिस्टेंस तय करने के बाद। तो ये भी काफ़ी बढ़िया जगह है, काफ़ी फेमस जगह है हुपे का जो सिटी है शियान। और एक्चुअली मैंने ये होटल बुक किया है, ये तो वॉशरूम है यहाँ का, मैं आपको पूरा रूम दिखाता हूँ। ये रूम है मैंने जो बुक किया है यहाँ पर, ये 300 RMB का जो है पर नाइट का है। और काफ़ी बढ़िया वाटर, मतलब सब कुछ है यहाँ पे, पानी वगैरह दे रखा है और चाय वगैरह भी दे रखा है पीने के लिए। इसके अलावा कुछ ऐसा दिखता है रूम, अभी थोड़ा सा मैं इस पर, ये इस तरीके से बढ़िया रूम है यहाँ का। होटल वगैरह बढ़िया होता है, सिस्टम जो है होटल सिस्टम वो भी बढ़िया होता है, फ्रूट्स वगैरह दे रखा है इन्होंने खाने के लिए। तो फिलहाल अभी जो है हम यहाँ से घूमेंगे शियान, जो हम आए हैं हुपे का जो सिटी में, यहाँ से अभी हम निकलेंगे घूमने के लिए। तो आपको दिखाते हैं, काफ़ी बढ़िया जगह है जो है, कुछ इस तरह का दिखता है, बढ़िया होटल है काफ़ी, ये जो मैंने बुक किया है यहाँ पे। इधर मेरा कमरा है 1020, सबसे लास्ट वाला कमरा है मेरा। लिफ्ट है यहाँ का फर्स्ट फ्लोर, मुझे तो ये भूख। होटल का लॉबी है सामने, इस तरह कुछ दिखता है लॉबी। भाई यहाँ बारिश हो रही है, तो होटल वाले ने कहा कि होटल से आप जो है अम्ब्रेला ले सकते हैं, यहाँ पे रखा हुआ स्टॉक में। खई ना यूसान माँ, खई ना यूसान माँ, मन जो यूसान था तो हाँ से अर्लिंग ईलिंग अर्लिंग यावलिंग अर्लिंग यावलिंग अर्लिंग दे दे दे, हाँ हाँ से好, 谢谢啊。 भाई अम्ब्रेला यहाँ पे दिया है इन्होंने। भाई ये अभी बारिश हो रहा है यहाँ पे, मैं निकला
तो इन्होंने कहा है कि आपके पास अम्ब्रेला नहीं है तो अम्ब्रेला ले लीजिए होटल से। होटल में अम्ब्रेला इन्होंने मतलब दिया कि आप होटल रूम नंबर लिख लिया, अम्ब्रेला लेके जाइए, घूम के आइए, फिर अम्ब्रेला रख दीजिए। तो बढ़िया है क्योंकि यहाँ पे बारिश होती रहती है किसी भी टाइम, तो बढ़िया होटल से अम्ब्रेला मिल गया। और सामने यहाँ पे ये कुछ शहर इस तरह का दिखता है, जो सीरियन शहर है, सिटी हुपे का, वो भी किस तरीके से दिखता है, बिल्डिंग्स वगैरह भाई काफ़ी डेवलप हो चुका है चाइना। मतलब कहीं भी जाओ बड़ी बड़ी बिल्डिंग है आपको दिख जाती है। तो अभी यहाँ से हम देखते हैं कहाँ जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा दूर तो जा नहीं पाऊँगा क्योंकि बारिश हो रही है। सबसे पहले कुछ खा लेता हूँ मैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है मुझे, उसके बाद देखता हूँ कहाँ कहाँ घूम सकता हूँ। भाई थोड़ा सा छोटा शहर ये है हुपे का, जो वुहान काफ़ी बड़ा शहर है जिस शहर में मैं अभी रहता हूँ, पर अभी मैं सिरियन आया हुआ हूँ जो थोड़ा छोटा शहर है। तो लोग यहाँ पे जो है कम आते होंगे फॉरेनर्स, तो देखते ही मतलब जो है आपको देखने लगते हैं, आपकी तरफ जो है ताकने लगते हैं। तो चाइना में छोटा शहर आप जाओ तो लोग आपको जो है देखेंगे क्योंकि फॉरेनर्स आया हुआ है, थोड़ा नया हो जाता है उनके लिए अगर आप कहीं छोटे शहर में जाते हैं तो। अदरवाइज़ जो है बढ़िया है काफ़ी चाइना जो है, घूमने उमने के लिए भी काफ़ी डेवलप हो चुका है। ये सारा जो है इधर खाने पीने का स्ट्रीट है, पर काफ़ी सारी दुकानें बंद है अभी क्योंकि बारिश हो रही है इस वजह से। तो मुझे अभी तक खोज कुछ मिला नहीं भाई कहाँ पे, ये छोटा सा शहर है एक्चुअली, तो इस वजह से मुझे कुछ अपने पसंद का खाने का नहीं मिल रहा है। और बारिश भी हो रही है इस वजह से काफ़ी सारी दुकानें बंद है इधर जो स्ट्रीट फूड है। का दुकान मुझे दिखा चिकन लेग पीस का, वहीं पे खाता हूँ, कुछ मिल नहीं रहा है अभी तो। चिकन लेग पीस निहाओ चिकन चीत हो माँ तो सब छेन उखा है हाँ ना वो जाओ एक सब लाई थे कहीं पे कुछ मिला नहीं। सबसे सोचा कि यहाँ पे चिकन लेग पीस मिल रहा था तो चिकन लेग पीस खा लिया जाए, फिर खोजते हैं बाद में। ये चिकन लेग पीस है यहाँ पे इस तरीके से, अच्छा बनता है ये, ठीक ही बनाता है। यहाँ से चिकन मैंने ख़रीद लिया, ये 5 RMB का एक चिकन लेग पीस दिया मुझे, ठीक ही लगा। 55 रुपये का एक चिकन लेग पीस, छोटा सा चिकन लेग पीस। तो इसको खाने के बाद मुझे कुछ और देखना पड़ेगा क्योंकि एक चिकन पीस से तो काम चलेगा नहीं, चिकन लेग पीस से थोड़ा दिक्कत हो रहा है बारिश की वजह से। यहाँ पे एक ब्रेड टाइप का ही मिलता है 6 RMB का, 60 रुपये का एक, ये देखता हूँ यहाँ पे भी कुछ खा सकता हूँ। नहीं हाँ वैसे श्याम वही शायद जो कुछ ही हो मैं वो चाहिए वो समझ छांग को अंदर तीफा चो वही समा लियो चिंग चैन चलिए निशपंथी रहना चलिए चबिन में आओ ना हाई छिथा जो वो थिंग शो को एक हेलो武当山对吗？武当山，武当山，荔枝荔枝园吗？园，要两个小时过去。哦，两个小时。对。那很远呐，对不对？哦，你要开车过，要两个小时。啊。你是主播吗？对，我不是主播，我现在就录视频，录视频以后我自己剪辑，我做那个vlog。哦。对。那你发抖音还是发开车？我发一个我国家的一个账号，但是我同时也想发抖音。 我有抖音，这儿也有。哇靠！ अभी इन लोगों से मैं पूछ रहा था कि आसपास में कुछ घूमने का जगह है क्या, कह रहा है कि आसपास के एरिया में नहीं है, काफ़ी दूर है यहाँ से 2 घंटे का डिस्टेंस में, क्योंकि ये एक शहर है छोटा शहर और जो यहाँ पे जो टूरिस्ट प्लेस है वो यहाँ से थोड़ा दूर है, करीबन 4-5 घंटे का रास्ता जो है। तरीके से स्ट्रीट फूड है यहाँ पे ये। आई होप कि आपने वीडियो को इन्जॉय किया है।